तो सब कुछ लाइव जाने वाले वापस. लेट्स ब्रिंग बैक दैट टाइम विद ऑल दोज लेजेंडरी म्यूजिशियंस जो इतने सालों से हिंदुस्तानी म्यूजिक को आगे लेके जा रहे. लेट्स गो टू स्लीप. मेरे को लगता है अच्छा गाना है ना. सच्ची में देखते हैं, बाकी पब्लिक डिसाइड करती है. पर मुझे लगता है मैंने दिल से बनाया तो सबको पसंद ही आएगा. चलो अभी मैं जा रहा हूँ मेरे गुड नाइट जोन में. हाय एंड प्रभात हुज लेट हेलो. टुडे. लास्ट में सबसे करा लो, 90s लाना है, 90s का गाना है, चलेगा. सब भूल गया, मैं तो 90s किड हूं, करना ही है. मैंने कभी नहीं किया ना ऐसा गाना. वी कैन कीप दिस आल्सो सी, ठीक है. मैं यानी अमल का गाना काफी टाइम से कर रहा हूँ. इनके डैडी का गाना किया था फर्स्ट गाना जो इनका था, थोड़ा सा प्यार हुआ है. गाना सुना बहुत अच्छा लगा. गाना मैंने कोशिश की है कि आज के दौर का जो प्रोग्रेशन साउंड स्केप जो है वो उसमें इनकॉर्पोरेट करने का. सिर्फ लास्ट में या तो वो या तो देरा रा 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 या उसका कोई काउंटर. बट दैट स्ट्रिंग रन इज द मेन की. उसके बाद आप सपोर्ट कर रहे हैं जो है. और वी कैन Ashraj Studios with Prakash Peter sir, and for me it is a dream come true moment because he has played on my dad's first song Thoda Sa Pyar Hua Hai. Today we are here recording live strings, violins, violas, the whole section for Chale Aana, my first song where I got the chance. Ye full on 90s melody presented in a new style. बहुत अच्छा था. चले आना एक ऐसा गाना था जिसने मेरे दिल को छुआ. जब अमल ने पहली बार मुझे वो गाना सुनाया एंड सडनली उसकी रिक्वेस्ट ये थी कि डैड व्हेन आई एम डूइंग द स्ट्रिंग सेक्शन आई वांट यू टू कम एंड बी पार्ट ऑफ इट सो दैट योर डीएनए योर 90s फील योर फील ऑफ बेसिक melodic progression and how you do it. Kunal Verma, the writer of De De Pyar De, of both my songs and two big songs, All Heart. Chale Aana is very close to my heart because जब मैं जयपुर रहता था, माल का जब मेरे पास जयपुर फोन आया था, उस टाइम मैं कुछ अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहा था अपने आप से, तो काफी अलग मूड में था. काफी लेट फोन आया था, बोले ब्रो I love your song हंसी बन गए and I want you to write this song. एक सिचुएशन बोला कि मुझे एक सैड सॉन्ग चाहिए, आपको कुछ भी लिखो, मैं आपको कुछ मीटर, मैंने पूछा कुछ मीटर आपके पास में, तो ये सेट किया, मैं आपको कुछ बना के भेजता हूँ. देन फोन पे भी हमने कुछ क्रैक किया था, तो कुछ मेलोडी होती तारारा 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 तारारा, तो दिस वाज द मेलोडी. तो मैंने बोला भाई मैं करके और आपको कुछ भेजता हूँ. फिर मैंने अमाल को कुछ मेरे पास लाइन्स आई, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अच्छी है बुरी है, ओल्ड लग रही थी मुझे.
थॉट थोड़ा सा अजीब था, मतलब आजकल ये वर्ड्स यूज नहीं होते, दीवाना और ये सब वो सब यूज नहीं होता है, तो फिर भी मैंने अमाल को बोला कि मैंने भाई मैंने उसको टेक्स्ट किया, मैंने कहा ब्रो आई हैव डन समथिंग स्टूपिडिटी, तो आप चेक कर लो एक बार, अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे बता देना। तो अमाल ने मुझे फोन किया और फोन पे नाच रहा था और जोर जोर से गा रहा था, जुदा हो गए माना मगर ये जान लो जाना, कभी मैं याद आऊं तो चले आना चले आना। Thank you. What you're doing was going to keep that element of modernity and all alive in the song. Jo kahin kho jaya nahi to. But you still have to be straight. This is happening. This movement, that whole vibe has to come. Little bit. Lovely. So, one more. Nice. Chahiye. Again. Thoda percussion mein add karo. जो बहुत मुश्किल है 150 ट्रैक्स के बीच में कैसे एक गिटार बेस गिटार कट के बाहर आएगा, ये हमें सिखाएंगे अंकुर दा एंड रोलेंड दा। नमस्ते, आई एम दीपेश वर्मा एंड really really happy to be a part of this beautiful song composed by Amal Malik and sung by Arman Malik. It's called Chale Aana from the movie De De Pyar De, and I'm really really thankful to Amal for having me on board to arrange the live rhythms and percussion section for the track. In action. Camera man to the car.
सर शुड वी ट्राई First time is we can do that. Yeah. Guys, today is a very big day. We are recording the song Chale Aana for the movie De De Pyar De. It's been composed by my brother Amal and written by Kunal Verma. And hum teenon ki team ek saath aayi thi for the song Ghar Se Nikalte Hi. And that was a stupendous hit only because of your love. So here's wishing and praying that you guys give the same love to Chale Aana as well. माइक रेडी है? हाँ चलो सही है. मेकअप वेकअप कुछ नहीं डाला, मस्त. क्योंकि ओरिजिनल लगना चाहिए. हाँ ओरिजिनल लगना चाहिए. ओरिजिनल टुडे इज रिकॉर्डिंग अरमान. लेट्स डू दिस. पहला खाना आपके चले आना. ये हमारे दुखद मैनेजर जिनको मुझे साइन करके तकलीफ हो गई. देखो रिटायर हो गया. सो टुडे एंड वी आर रिकॉर्डिंग चले आना टुडे. और इस गाने पे इट्स अ वेरी बिग डे फॉर अस. दे दे प्यार दे इज अ वेरी स्पेशल प्रोजेक्ट. चले आना चले आना तुम्हें मैं भूल जाऊं. 2017 December is when I was narrated this film. Wow. By Aki Wali and Love Ranjan. Basically, singing में आना चाहिए heroism के कभी मैं याद आऊँ तो चले आना चले आना. मैं रोका हूँ तेरे लिए, तेरे को जब मानो तू आ. That emotion has to come in the end. हर line में उन्हीं से कभी मैं याद आऊँ तो चले आना. That means I am your, my love, you come. सांसों से ज्यादा जो जरूरी था तारा. सांसों से ज्यादा जो जरूरी था भी क्या वैसे भले दूरी सांस गई. 8 बार का पॉज है इन बिटवीन. इधर 25 घंटे पिछले 1 साल से मैं मर रहा हूँ और ये भाई साहब अभी आए और रो रहे हैं. 3-4 गाने मैंने सोचे बट फिर एक रात को आफ्टर दैट नरेशन मैं घर पे आया. एंड दैट डे इटसेल्फ जिस दिन नरेशन हुई ना स्क्रिप्ट रीडिंग थी, ये स्टोरी जब उन्होंने सुनाई तो मुझे एक सिंपल सी मेलेडी आई. लिरिक्स इसके मतलब किंग ऑफ द सॉन्ग. जिससे मैं प्यार करता हूँ उससे मैं इसी भाषा में कहूंगा. इससे ज्यादा मुश्किल नहीं, इससे ज्यादा आसान नहीं. एंड आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ द सॉन्ग की लिरिक्स एक सुपर्ब आवाज, एक खूबसूरत आवाज जो फील करती है उन लिरिक्स को. एंड ऑब्वियसली मी एंड माई टीम ऑफ म्यूजिशियंस रिकॉर्डिस्ट इंजीनियर्स अरेंजर्स एंड डैड हैज कोलैबोरेटेड विद अस फॉर द फर्स्ट टाइम. The Maliks are together. The trio is on the first song of their. मैंने तुम्हारी बात मानी है. देख थोड़ा sad हो रहा आदमी यहाँ पे. मैंने मनाया दिल को है कैसे. अब से वो अलग लेंगे पहले सी. मैंने तुम्हारी पहला नोट अरमान. मैंने दीरारा मैं